अरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर ज़रवा खान। बेसिकली आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, कपिंग प्रैक्टिशनर, फिटनेस एंड स्लिमिंग कोच। मैं प्रैक्टिस करती हूँ हेल्थ सॉल्यूशंस बाय डॉक्टर ज़रवा खान, विच इज़ माय ओन क्लिनिक इन DHA फेज 4 लाहौर। और इसके साथ मेरी कोलेबोरेशन है डिफरेंट मेडिकल सेटअप्स जो शेखुपुरा में है, लाहौर, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। सेकेंडली, फिजियोथेरेपी के डोमेन में पेशेंट्स जो आते हैं वो एनी सॉर्ट ऑफ पेन, किसी भी किस्म की आपको पेन है, चाहे वो मसल की वजह से है, बोन की वजह से है, या कोई और मल्टीपल इशू है, चाहे वो स्पाइन का कोई इशू है, वो फिजियोथेरेपिस्ट डील कर सकता है और इसमें रिकवरी रेशो 99% है। अच्छा, आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है जिसको हमारे पाकिस्तान में अमूमन प्रेफर भी नहीं किया जाता और डॉक्टर्स इसको डिस्कस भी नहीं करते, जो कपिंग है, जिसको हम अगर साइंटिफिक टर्म्स में या चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कपिंग कहलाता है, और अगर हम इसको दीनी तौर पे देखें या उर्दू टर्म्स में देखें तो इसको हिजामा कहते हैं। अच्छा, हिजामा की क्या बेनिफिट्स हैं और क्या, कौन बंदा इसको परफॉर्म कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगी। फर्स्टली तो ये कि हमारे पाकिस्तान में इसको मोस्टली परफॉर्म नहीं किया जा रहा और प्रेफरेबल भी नहीं है, लोग इसको प्रेफर नहीं करते, ना ही डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, कोई भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिक टर्म्स में और अपने दीन को कोरिलेट करके चलें तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर किसी चीज़ में भी शिफा है। ऑल्दो मैं खुद भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ लोगों को कि वो कपिंग करवाएं और मेक श्योर करें कि जिससे आप कपिंग करवा रहे हैं, आया वो काउंसिल से रजिस्टर है कि नहीं, वो प्रैक्टिशनर ऑथेंटिक है कि नहीं, ही और शी नोज़ द एनाटमी, ही और शी नोज़ द फिजियोलॉजी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, दे डोंट नो एनीथिंग। तो इस चीज़ पे फर्स्ट फोकस करें कि आपका प्रैक्टिशनर कौन है। सेकेंडली, हम इसको अगर दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेराज के मौके पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर आसमान पे तोहफे में हिजामा मिला, तो इसका मतलब देर इज़ समथिंग मिरेकुलस, देर इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। और इसके रिजल्ट्स भी मैं इसलिए आउट ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर करती हूँ बिकॉज इसमें वर्ड ऑफ माउथ या कोई और सेकेंड थाट बनती ही नहीं है। अच्छा, इसको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत डेट्स पे क्यों किया, उसको सुन्नत डेट्स क्यों कहते हैं, इसकी लॉजिक मेरे से अक्सर पेशेंट्स भी पूछते हैं और मैं लोगों को खुद भी ये आगाह करना चाहूंगी कि इसके पीछे हमारी साइंस का क्या रोल है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल जो इतने साल पहले उन्होंने फरमाया था, वो दोनों चीज़ें कैसे कोरिलेट करती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन डेट्स पे खुद हिजामा कराया वो 17, 19 और 21 हर महीने की कमरी तारीख थी, चांद की डेट जो होती है, ठीक है। और अगर हम इसको साइंटिफिक प्रूफ से अब देखें तो रिसर्चेस ये प्रूफ करती हैं कि हमारा हर मंथ का जो थर्ड वीक होता है, इसमें हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेज कर जाता है और हमारा फिज़िकल फिटनेस इंडेक्स कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जितनी इश्यूज, स्पेशली जो ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, कोई भी ऐसा इशू जिसमें ब्लड का मेन फैक्टर था, उसमें तो मोस्ट प्रेफरेबली साइंस भी कहती है कि इन डेट्स में हम कपिंग करवाएं तो इट विल बी मोर एंड मोर बेनिफिशियल। और साइंस ने प्रूव किया, रिसर्चेस ने प्रूव किया कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे, हर मुल्क में जब हादसात की रेशो को रिपोर्ट किया गया, जब हमारे ख़ुदकुशी की रेशो को रिपोर्ट किया गया और मेडिकल इमरजेंसीज़ को रिपोर्ट किया गया, तो वो हर मंथ के थर्ड वीक में मैक्सिमम इस तरह के पेशेंट्स और मैक्सिमम इस तरह के इश्यूज होते थे, जिसकी वजह से ये इस चीज़ को हमने कंक्लूड किया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस डेट को हर थर्ड वीक में हिजामा मोस्ट प्रेफरेबली करवाना चाहिए। तो वो साइंस भी इस चीज़ को प्रूव करी है कि ये इसी डेट्स पे मोस्ट प्रेफरेबली करवाना चाहिए। मैं खुद भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो लोग इस चीज़ का अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि आप कपिंग को क्यों प्रेफर करती हैं। तो फिजियोथेरेपी के डोमेन में जो चीज़ें आती हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं, और कपिंग के डोमेन में जो चीज़ें आती हैं मैं वो भी अब बताती हूँ। फिजियोथेरेपी के डोमेन में हर ऐसी पेन, हर ऐसी मस्कुलर इंजरी, हर ऐसी स्पोर्ट्स इंजरी, रिहैबिलिटेशन, हर ऐसा प्रोसेस फिजियोथेरेपी के डोमेन में आता है। लेकिन अगर हम कपिंग देखें तो कपिंग तो नॉन पेशेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेबल है, इसको नॉन पेशेंट्स आजकल ज़्यादा प्रेफरेबली करवा रहे हैं, जिनको कोई इशू नहीं है, उन्होंने सुन्नत को परफॉर्म करना है। ऑब्वियसली आपका जो वेस्ट है जब आपकी बॉडी से बाहर निकल आता है तो वो बीमारी क्रिएट नहीं करता।
कॉन्ट्राइंडिकेटेड किन कंडीशंस में है कपिंग? एक तो जिनका एच बी लेवल बहुत कम होता है हम उसमें कपिंग परफॉर्म नहीं करते, ऑब्वियसली वीकनेस के रेशो भी ज़्यादा हो जाती है, और सेकेंडली प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स में मैं कपिंग परफॉर्म नहीं करती क्योंकि उस टाइम भी हमारे ऐसे हार्मोनल इश्यूज और वो सारा कुछ चल रहा होता है कि कपिंग परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 3rd मंथ कपिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जनरली कपिंग का वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई ऐसा पेशेंट या कोई ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको लगता हो कि मैं पेन की वजह से कपिंग नहीं करवा रहा, या मैं इसकी जो सर्टेन मिथ्स हैं मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा आगाह कर दूं कि कुछ लोगों को लगता है कि कपिंग एक पेनफुल प्रोसीजर है, हालांकि ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। हाँ, ये आपके प्रैक्टिशनर पर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे परफॉर्म करता है। ऑब्वियसली जो आपका ट्रेन प्रैक्टिशनर नहीं है या जो सर्टिफाइड नहीं है उसको पता ही नहीं कि आपने कट्स किस तरह से लगाने हैं, और ये एक मेन वजह हो सकती है पेन की। सेकंड एक मिथ है कि आपके मार्क्स जाते हैं कपिंग के कि नहीं, तो ये भी 3 to 4 days मैक्सिमम होते हैं इसकी हीलिंग के, और 3 to 4 days में मार्क्स बिल्कुल फेड हो जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट ऑफ कंसर्न्स हैं जिसमें मैं कपिंग मोस्टली रिकमेंड करती हूँ? एक तो जो मेजरली हमारे आजकल साइकेट्रिक इश्यूज बहुत ज़्यादा मुआशरे में फैल रहे हैं, इस पर आप एलोपैथिक मेडिसिन पर जाने की बजाय अगर कपिंग को प्रेफर करें तो मुझे ऐसे लगता है बीइंग अ कपिंग प्रैक्टिशनर, बीइंग अ डॉक्टर, कि इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और आप अपने आप को मेडिसिन प्रोन ना करें तो ये मुझे लगता है हमारी हेल्थ के लिए अगर लॉन्गर रन में देखा जाए तो भी बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली कि आपका स्टमक जो है वो अलाउ नहीं करता कि आप इतने लॉन्ग रन में मेडिसिन खाएं, और डिफरेंट साइकेट्रिक इश्यूज लाइक डिप्रेशन, एनजाइटी और हेडेक्स जो हैं, स्पेशली जिनको बहुत सालों से हेडेक रहता है और वो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होता, उनके लिए कपिंग बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है। कौन सी एज है जिसमें कपिंग करानी चाहिए? वैसे तो ये अमूमन 9 ईयर्स से लेके 60 to 65 ईयर्स और 70 ईयर्स तक जो है वो प्रेफरेबली करवाई जाती है, लेकिन हम फिर भी पेशेंट की हेल्थ, पेशेंट के डाइट, हर चीज़ को कंसिडर करके फिर ये डिसाइड करते हैं कि इसकी कपिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि थोड़ा सा अगर मैं इसको दीनी उससे आपको बताऊं तो कुछ लोग इस पे हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट भी करें, लेकिन हमारे अहदीस से मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में भी हिजामा कराया। रोज़े की हालत में अमूमन जिस तरह की वीकनेस होती है तो ये लगता नहीं है कि कपिंग कैसे होगी और इसका अफेक्ट किस तरह पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम इसको बहुत वाइड व्यू से देखें तो इसका मतलब कुछ बहुत डिफरेंट, बहुत पॉजिटिव है। तो हमारे नबी पाक सल्लम ने रोज़े की हालत में भी हिजामा कराया, एहराम की हालत में भी हिजामा कराया, और जैसे मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, फॉर एग्जांपल हमारे बैक नेक की बैक पे एक ऐसा पॉइंट है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 72 बीमारियों की शिफा है। तो इसका मतलब देर इज़ समथिंग वेरी मिरेकुलस, देर इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, और जिस चीज़ का रिजल्ट इतना आउट ऑफ स्टेट हो तो मैं उसको तो 110% पेशेंट्स को रिकमेंड करूँगी। और अगर किसी ने कपिंग की अपॉइंटमेंट मेरे से लेनी है तो वो मरहम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशंस हो सकती हैं या मेरे क्लिनिक इन वॉक इन कंसल्टेशंस हो सकती हैं, और मैं हर किसी को एट द एंड भी प्रेफर करूँगी कि वो कपिंग करवाएं, और मेक श्योर कि आपका कपिंग प्रैक्टिशनर सर्टिफाइड हो। थैंक यू। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।